हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। देखिए गाइस, बात करने वाला हूँ टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। स्टॉक में आज के सेशन में करीब करीब 6% का कट देखने को मिल रहा है इंट्राडे में। ऊपर से ये स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अराउंड 298 का स्टॉक ने हाई लगाया था। मैंने भी वीडियोस बनाई थी जहां मैंने आप सभी से कहा कि 300 रुपए का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आप यहां प्रॉफिट बुक करिए। हालांकि मेरा व्यू ये नहीं था कि स्टॉक गिरेगा या फिर बियरिश है या फिर यहां से गिरावट आनी चाहिए, बहुत बढ़ गया, ऐसा कुछ व्यू नहीं था। बस मेरे को जो साइकोलॉजिकल लेवल से वो प्रॉब्लम दे रहा था कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 300 रुपए के एक साइकोलॉजिकल लेवल को जब तक ये स्टॉक पार ना कर दे आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लो। 295-96 के लेवल्स पे शेयर ट्रेड कर रहा था एट दैट टाइम, तो मैंने आपसे 300 के, मैं जैसे ही कहा कि जैसे ही स्टॉक 302 के ऊपर निकलेगा हम दोबारा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रॉफिट बुक करना है। तो जिसने भी हमारे व्यूअर जिसने भी ऐसा करा वो शायद आज बहुत ही ज्यादा खुश होगा। अभी स्टॉक की बात करूं 258 रुपीस के लेवल्स पे 5.5% की गिरावट है। क्या होनी चाहिए आपकी आगे की रणनीति, इसके बारे में बात करेंगे। गाइज, एक चीज आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में कहता हूं कि आप किसी भी स्टॉक से रिलेटेड मुझसे बात करना चाहते हो, मींस मेरा व्यू चाहते हो, तो आप वीडियो के कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिखिए, मैं उस पर शॉर्ट या स्टोरी बनाऊंगा या फिर वीडियो भी बना सकता हूं। तो बहुत ही ज्यादा कमेंट्स हो गए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बना रहा हूं, मैं कंटिन्यू शॉर्ट्स बना रहा हूं आपके स्टॉक्स पे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शॉर्ट्स को जरूर देखते रहें, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट जो बनाए वो आप ही का स्टॉक हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, और आपका भी कोई स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए स्टॉक का नाम, अपनी क्वेरी लिखिए, जो भी आप चाहते हैं मैं आपको शॉर्ट में अपनी वीडियो बना के डालूंगा। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। अगर पूरी वीडियो बना सकता हूं तो मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं शॉर्ट में आपकी जो भी स्टॉक है उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज शॉर्ट्स को रेगुलरली देखते रहिए, क्या पता आपका शॉर्ट हो आपके लिए ही बनाए और आप ही ना देख पाओ, तो क्या फायदा फिर मेरे बनाने का। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यार एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी समझ आए तो प्लीज को एक लाइक दे देना, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज बोल दूं, अगर एक आप ट्रेडर हो, आप पोजिशनल बायर हो, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आज खरीद के कल बेचने वाले प्राइस एक्शन से आपको डर लगता है, तो प्लीज ये वीडियो स्किप करके छोड़ के चले जाएं, क्योंकि यहां मैं बात करूंगा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। मैं यहाँ कोई भी ऐसा लेवल नहीं देने वाला हूं जो आपके काम आएगा, तो आप बेवकूफ दूंगा अपना टाइम वेस्ट क्यों करो, प्लीज आप लीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपका व्यू 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने का है तो प्लीज ये वीडियो अंत तक देख लेना। और एक चीज और, आप अगर डिलीवरी में लेके इस स्टॉक में फंस गए हो तो ये वीडियो जरूर देखना। अब मैं स्टॉक के बारे में, 258 रुपीस के लेवल पे स्टॉक खड़ा है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया डेलो 252 का लगाया है, स्टॉक ने काफी ज्यादा गिर गया। और आज की पिटाई के पीछे के दो बड़े कारण है, दो बड़े कारण क्या है वो मैं आप सभी के साथ बताऊंगा। फंबलिंग हो गई थोड़ी गाइस, तो वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। स्टॉक में जो ये गिरावट है वो विद वॉल्यूम्स आ रही है, बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है और वॉल्यूम्स ट्रेड हैवी होते हुए दिख रहे हैं। आप वॉल्यूम्स देखो तो 65 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड अभी तक हो चुके हैं, 1:20 हो रहा है। एवरेज वॉल्यूम्स की बात करूं तो 38 मिलियंस का एवरेज वॉल्यूम है, यानी कि डबल वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट ट्रेड होने वाले हैं। और स्टॉक में 6% के करीब का कट है, ये एक वीकनेस का संकेत है, ये एक शो कर रहा है कि ये जो गिरावट है ना इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ कर हो रहा है। हालांकि मार्केट में भी गिरावट है उसके चलते स्टॉक भी गिरते हैं, बट ये जो वॉल्यूम्स है ना ये दिखा रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्टेड है इस गिरावट में। अब स्टॉक के मैं लेवल्स देने वाला हूं आप सभी के साथ। स्टॉक में करीब करीब 250-252 के ऊपर से ही एक ब्रेकआउट आया था जहां पे स्टॉक 298 तक गया, और उसके बाद जो ये गिरावट है, मैं बता दूं पहला और बड़ा सपोर्ट जो होगा 240 का होगा, स्टॉक उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इफ स्टॉक गोज अंडर दैट लेवल तो मैं आपको बताऊं फिर इस स्टॉक में जो ये ट्रेंड पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और आपका जो लेवल है वो 220-215 जो वो रेंज प्ले करता था उस रेंज के आसपास स्टॉक आपको आता हुआ दिख सकता है। लेकिन 240 से पहले स्टॉक घूमने की दम रखता है और स्टॉक में यहां से 15-17 पॉइंट्स और यानी कि करीब करीब 8-10% आप कह सकते हैं वो लेवल्स कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 240 के लेवल से, जब तक उसके ऊपर स्टॉक आपका पॉजिटिव ट्रेंड में लॉन्ग टर्म की बात करूं तो ठीक है। अब मैं स्टॉक के बारे में आपको एक दो खराब खबरें आएंगी वो बता दूं। आज ही आप सभी ने देखा ब्रोकरेज हाउसेस इस स्टॉक पे बियरिश होते हुए दिखे हैं। दो ब्रोकरेज हाउसेस की इस पे रिपोर्ट आई है, जिसमें से एक CLSA था और एक और है कोई जिसका मेरे नाम दिमाग से नाम उतर गया। मैं आपको बताऊं CLSA ने इस स्टॉक की कहीं ना कहीं अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, और एक और ब्रोकरेज हाउस ने एक का टारगेट कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे 212 का था, जिन्होंने बढ़ा के 224 का कर दिया है और स्टॉक का प्राइस अराउंड 270 पे था आज। तो उनके देखिए कितने नीचे के टारगेट्स हैं। सेकंड टारगेट मैं आपको बता दूं
उन्होंने थोड़ा सा अपना टारगेट बढ़ाया, 220 से बढ़ाकर 244 का कर दिया, बट वो भी स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है, तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रही है। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं स्टॉक के, और वैल्यूएशन देखा जाए तो ज्यादा 50 के पी पे स्टॉक ट्रेड करता है। उनका मानना है कि पावर स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एनटीपीसी के वैल्यूएशन सस्ते हैं, वहां आप पोजीशन ले सकते हैं, बट एक सरकारी कंपनी है, वो कहीं ना कहीं दबाव में रहते ही हैं, बस वो अपने डिविडेंड के लिए जाने जाते हैं। अब मैं अपना व्यू रख दूं टाटा पावर के शेयर पे, तो मेरे हिसाब से अगर आप एक डिलीवरी में बाय करके बैठे और आप पेशेंसली होल्ड कर सकते हैं, होता क्या कि आज खरीदा और आज ही 20 पॉइंट चले गए ना, यार मैं तो फंस गया, मैं तो बर्बाद हो गया, इस तरीके के लोगों के कमेंट्स आते हैं। मैं आपको बताऊं, आप एक गिरावट वाले स्टॉक को ले रहे हो तो आप वीकनेस में उसे बाय कर रहे हो, आप आगे वाले समय के लिए 6-3 महीने के लिए, तब स्टॉक का मोमेंटम बदलेगा, आप बड़ा पैसा बनाओगे। आप पॉजिटिव ट्रेंड वाले स्टॉक को बाय करोगे ना तो आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से बाय करो, उसमें एसएल रखना बहुत जरूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। इस स्टॉक की बात करूं तो 240 का एसएल बन रहा है इस स्टॉक में, और ऊपर में दोबारा 278, 280, 290 के लेवल्स दिखा सकता है आपको, लेकिन स्टॉक 240 अगर नीचे में ब्रेक करता है तो स्टॉक आपको दोबारा वो रेंज में फंसता हुआ दिख सकता है, 230, 235 और 200 रुपए से लेके 240 के बीच की जो रेंज है उसमें जा सकता है। तो ये होगा मेरा व्यू टाटा पावर में। पर्सनली इस स्टॉक को मैं आपसे कहूंगा, अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो अवॉइड कर दीजिए, मैं इस स्टॉक में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि नेगेटिव खबर आई है, ऊपर से गिर रहा है स्टॉक और अपने जो ब्रेकडाउन की तरफ वहां जाता हुआ दिख रहा है, हालांकि लग रहा है बाउंस बैक देगा, बट बाउंस बैक दे तो एग्जिट की सलाह होगी। तो ये मेरी पूरी वीडियो टाटा पावर के शेयर पे, होप आप सभी को पूरी वीडियो समझ में और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।